Hello guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Abhishek and I make videos on dental related topics and anything you can relate to dentistry, and I'm working as leader in oral medicine department in Bhubaneswar. So today's topic, my view will be about bridge course. Like, what is my opinion about bridge course for BDS? So mujhe kya lagta hai, mere colleagues ko kya lagta hai, wohi main aapke sath aaj ek discussion karte hain. To discussion to nahi, matlab one side discussion hoga ye. To sabse pehli cheez to main ye isme अनुमान लगा रहा हूं, मतलब आई एम गेसिंग दैट कि ब्रिज कोर्स मींस व्हाट. ब्रिज कोर्स का मतलब मुझे ये फील नहीं हो रहा है कि आप सेकेंड ईयर बीडीएस तक पढ़ रहे हैं फिर थर्ड ईयर से आप एमबीबीएस करने चले गए. इट वोंट हैपन लाइक दैट, बिकॉज वंस यू एंटर्ड इनटू अ कॉलेज यू कैन नॉट लीव द कॉलेज, बिकॉज द सीट ऑफ दैट पर्टिकुलर योर पर्टिकुलर सीट विल बी. जैसे कि अगर आप, मैं एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, आप सेकेंड ईयर बीडीएस में पढ़ रहे हैं, आपने फीस जितनी भी दी, सालाना फीस कॉलेज की, यू गेव द फीस टू द कॉलेज एंड देन यू केम इनटू थर्ड ईयर एंड एट दैट टाइम यू लेफ्ट द कॉलेज एंड दैट अमाउंट ऑफ मनी विच यू आर अबाउट टू गिव टू द कॉलेज इज वेस्टेड. यू आर नॉट पेइंग एनी मोर मनी टू द पर्टिकुलर कॉलेज, तो व्हाई द कॉलेज विल लीव यू. तो द रूल विल बी लाइक दैट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, दैट यू हैव टू कंप्लीट योर बीडीएस. And after that, you can apply for the bridge course, which will be approximately for about 2 years. And again, you have to pay the fees for the bridge course, right? Bridge course ka matlab, that doesn't mean ki like you are studying till third year, and then in the middle of the third year, after finishing third year, you are just stopping the BDS and continuing with MBBS. And mind it, one more thing I want to tell you. It is not sure whether after passing BDS or any other course those who are eligible for doing bridge course, it's not necessary that after finishing of your particular degree, like BDS karne ke baad, agar aap bridge course karte hain, to you will be called mid-level practitioner. You won't be called as a, you won't get a degree of MBBS, right? Because for that MBBS, you need to spend the entire 5-year course duration in a medical college, not in a dental college. तो आपको BDS तो होगा, BDS कॉमा मिड लेवल प्रैक्टिशनर होगा. अब उस डिग्री का नाम क्या होगा वो अभी तक मेंशन नहीं हुआ है लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में. तो ये एक बहुत जरूरी चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जो भी ब्रिज कोर्स होगा फिर से सुन लीजिए, थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के मिडिल से नहीं होगा, आपको फुल कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही यू कैन जंप इनटू द अदर कोर्स. तो जो भी लोग भी सोच रहे हैं अभी मैं बीडीएस कर लेता हूं और उसके बाद मैं ब्रिज कोर्स ज्वाइन कर लूंगा और आई विल बी एमबीबीएस, आई फील दिस वोंट हैपन. और अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो अगर एमबीबीएस करिए या फिर बीडीएस करिए, लेकिन ब्रिज कोर्स का जो सिस्टम है भैया वो तो दिस वुड बी हैपन लाइक दिस ओनली. एंड ब्रिज कोर्स वोंट अलाउ यू टू परमिट, लाइक दे वोंट अलाउ यू टू प्रैक्टिस इन अर्बन एरियाज एंड मेजर हॉस्पिटल्स. यू विल ओनली बी एलिजिबल टू वर्क इन रूरल एरियाज. CHC मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, वेर देर इज अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड यू विल बी रिप्लेसिंग देम. लाइक यू आर एबल टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन इन दोज विलेजेस एंड इन दोज रूरल एरियाज. सो दैट इज अ थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू इन दिस वीडियो. हालांकि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग अ वेरी गुड स्टेप एंड काफी ज्यादा चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ब्रिंगिंग इन टू द मेडिकल वर्ल्ड एंड एज यू ऑल नो द नेक्स्ट एग्जाम इज ऑल्सो देयर. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द नेक्स्ट एग्जाम विल ऑल्सो बी देयर इन लाइक इन द बीडीएस ऑल्सो. लाइक नेक्स्ट एग्जाम इज एट द लेवल ऑफ एमबीबीएस, द बिल इज ऑलरेडी पास्ड, बट द क्वेश्चन इज दैट whether it will happen for BDS also. I think it will happen, the next exam for BDS, because whatever happens with MBBS, the same happens with BDS. I am always telling you, because I was in a medical college, Bangalore Medical College and Hospital, and attached to that there was Government Dental College and Research Institute Bangalore when I was doing my MDS. So anything which was happening in the medical college, for example, I'm telling you the stipend initially for all the MD medicine and after post-graduation courses was limited, like suppose 20,000, and it was same for BDS. But as soon as the increase, there was a strike and there was an increase in the stipend into two times, like 40,000, then the same thing happened for BDS also. BDS and MDS people who were there, and it was applicable for those people too. And the salary structure is also same as assistant professor in a medical college and a dental college is getting same. So, जो भी MBBS में लागू हो रहा है वो BDS में भी लागू होगा, bridge course.
मेरा ये मतलब 100% मैं ये बोल रहा हूँ और होगा ही, मेरे को यहाँ तक अनुमान है, और अगर हो गया तो फिर आप मुझे बताइएगा बाद में। एंड दूसरी चीज जो हो रही है कि नेक्स्ट एग्जाम तो होगा MBBS के लिए और BDS के लिए भी, तो ये दो चीजें मैं बोल रहा हूँ कि ब्रिज कोर्स होगा कोर्स कंप्लीशन के बाद और दूसरा होगा नेक्स्ट एग्जाम। तो देखते हैं आगे क्या होता है और सरकार ने क्या कर क्या क्या ये चीज क्या लाएंगे। प्लस एक और चीज है, इससे सबसे पहले तो स्टूडेंट क्वालिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, मतलब द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल गो वेरी हाई। प्लस पीपल ऑफ पीपल टेकिंग एडमिशन इन टू दीज कोर्सेज लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज विल बी रिड्यूस्ड ऑब्वियसली, क्योंकि जब इसमें इतनी पढ़ाई करनी है फाइनल ईयर इजिली पास नहीं होगा तो काफी लोग डरेंगे इस कोर्स को करने में। प्लस जॉब्स तो है ही वैसे स्ट्रगल वाली, लेकिन जो लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लाइक दोज हु आर डूइंग, हालांकि ये उन लोगों के लिए लागू नहीं है जो कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज लाइक USA में अगर आप MBBS करते हो तो आई थिंक पहले उनके लिए ऐसा नहीं था कि नेक्स्ट एग्जाम मतलब कि कुछ MCA का एग्जाम क्लियर करना होता, लेकिन वो US का मतलब वापस यहाँ क्यों आएगा। मेन चीज ये है कि फॉरेन से जो भी आ रहा है उसको NEHT एग्जाम देना ही है, और ये बहुत जरूरी था एक्चुअली करना क्योंकि द रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन इन डेंटल फील्ड एंड MBBS इट वॉज लाइक इट हैज डिटोरेटेड टू अनदर लेवल। लाइक आप लोग भी जानते होंगे कि एक MBBS डॉक्टर जो पास आउट है और एक BDS पास आउट है आजकल उनका लेवल क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस, हालांकि 70% प्राइवेट कॉलेजेस का यही हाल है, लेकिन रिमेनिंग 30 आर प्रीमियर इंस्टीट्यूट स्ट्रिक्ट कॉलेजेस, स्टूडेंट्स आर वेरी गुड। तो मैं उन लोगों की बात छोड़ दे रहा हूँ, तो जो लोग पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और ये भी जो भी लागू होगा अगले 2 साल के अंदर ही हो जाएगा मुझे जहां तक अनुमान है। तो वॉट एवर आई एम टेलिंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, अभी तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप BDS कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं और आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में छोड़ दी, तो यू हैव टू पे सम अमाउंट लाइक 10 lakhs टू द कॉलेज एंड बॉन्ड साइन करना होता है, देन यू कैन स्किप द कॉलेज एंड यू डू MBBS। ये रूल हर जगह बहुत पहले से ही है। तो आज का वीडियो यही बंद करते हैं, तो फिर टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे, एंड प्लीज फॉलो मी ऑन साइड हैंडल ब्लॉग इंस्टाग्राम एंड DM मी देयर। टेक केयर।